हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में पूछता है, अंडर CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, वो चोर है। अब वो चोरी करता है, तो जब वो चोरी करता है तो जिसको पनिशमेंट इम्पोज की जाती है या पेनल्टी जो इम्पोज की जाती है, वो किसके द्वारा इम्पोज की जाती है? जजेस के द्वारा। हमने इससे पहले की वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसका मेन मोटिव यही था, या इसका मेन मोटिव भी यही है कि न्याय को सही दिशा में आप लेकर जाएं, सही तरीके से आप दें, पार्शियल ना हो, फेयर होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है कि जजेस अगर कोई फैसला देते हैं या जजेस किसी और के अगेंस्ट में कुछ वर्क करते हैं, तो उनका एक अकाउंटेबिलिटी होता है कि इनके ऊपर भी लॉ बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ने से, पढ़ते हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि हम अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी का रेखा झोंका करना, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरा रेखा झोंका होगा। तो अब जुडिशियली जो काम कर रही है उसका क्या रेखा झोंका होना चाहिए? अब रेखा झोंका मतलब आप ये बोलोगे जब वो उसका अकाउंट जो है वो किस तरीके से होना चाहिए या उसे किस अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैन बी डिस्क्राइब एज द जजेस व्यू वेयर दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब होता है? वो जजेस के व्यू से डिस्क्राइब होता है कि उन्होंने अपने वर्क में जो उनका वर्क है उसका मतलब अकाउंट देता है कि कितना वो वर्क कर रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या जो वो वर्क कर रहा है वो पार्शियल में कर रहा है या फेथफुली कर रहा है या फेयर जजमेंट वो दे रहा है। दिस कुड बी इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लाइक बींग अकाउंटेबल टू पब्लिक टू गेट वोटर अप्रूवल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो जुडिशरी है वो ओनली जो कोर्ट में पार्टीज आएगी उसके अगेंस्ट में ही जजमेंट देगा, वो और भी फैसलों के अंदर जजमेंट दे सकता है। तो किसके अकॉर्डिंग होगा? देखो, अकाउंटेबल टू द पब्लिक टू गेट वोटर्स अप्रूवल इन द इलेक्शन, कि अकाउंटेबल होगा कि अगर कोई पब्लिक है तो वोटर्स के अप्रूवल में कोई इलेक्शन में कोई गलती हो गई तो कुछ भी हुआ तो ये केस कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उसको फैसला सुनाएगा। ऐसे अकाउंटेबल होता है पॉलिटिकल बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई लेजिस्लेचर या कोई गवर्नर है, कोई लॉ बनाती है, अगर वो लॉ उनको ठीक नहीं लगता तो उसमें या इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारी जो कोर्ट्स के जजेस होते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उनका ये अकाउंटेबल जुडिशियल अकाउंटेबल होता है कि वो उस वर्क को भी देखे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बॉडी, जो स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी है, उसको ये बोल रखा है कि आपके पास ये पावर है और ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो जब आपको कोई लॉ का प्रोविजन इंटरप्रिटेट करवाना है या आपको समझ में नहीं आ रहा। तो नीड क्यों पड़ी हमें? ऑब्वियसली हमें किसी चीज की नीड पड़ी, तभी तो हमने इसको लिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पुट इन आर्टिकल 235 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट है वो इन्फीरियर कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर सकती है, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है उसको देख सकती है कि इसने जो जजमेंट दिया क्या सही दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो वही, टू हैव अकाउंटेबिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन फेयर एंड इम्पार्शियल हियरिंग ऑफ द जजेस, कि जो जजेस कुछ हियरिंग कर रहे हैं, पार्टीज को सुन रहे हैं, तो वो फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए। इट प्रमोट्स फेयर एंड ट्रांसपोर्ट हियरिंग एंड डज नॉट बेनिफिट द जजेस एज हैविंग बीन परसीव्ड इन सेवरल केसेस। ये फेयर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हियरिंग होना चाहिए कि एक दूसरे की आप सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ जजेस मतलब कुछ केसेस के अंदर, जिसकी मान लो जजेस हैं, उनको लगता है कि इस केस में ऐसा होगा विदाउट टेकिंग एविडेंस, या उन्होंने कोई एविडेंस नहीं लिया, विटनेस नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी को सुनेंगे वो। इट ब्रिंग्स अबाउट जुडिशियल करेज। देखो यहाँ पर मैंने करेज का मतलब भी लिखा है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कोई डेंजरस चीज है, तो क्या होता है, जो जुडिशियल करेज होना जरूरी इसलिए है कि जज ना उसको अपने कंट्रोल में रखे उस सिचुएशन को, ताकि जो लोग हैं वो फियर इन सिचुएशन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर इन अ सिचुएशन दैट मे बी डेंजरस। कोई डेंजरस सिचुएशन है और लोग डर रहे हैं कि हम क्या करें, तो यहाँ पर क्या है, जो जज है वो यहाँ पर क्या होने चाहिए, वो इतनी एबिलिटी उनके पास होती है कि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं।
एंड जुडिशियल इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी जो जज है, मतलब सारे जो जजेस हैं, वो ऑनेस्टली वर्क करें और स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल फॉलो करें, नेचुरल प्रिंसिपल जो होता है उनको फॉलो करें। इज टू एनफोर्स टूगेदर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जो वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। और हमारे नीड क्यों पड़ी इसको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लाने का, ये है टू अवॉइड एनी डिजास्ट्रियस सिचुएशन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो लोग अनसक्सेसफुली हो रहे हैं या एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन है, उसको अवॉइड करती है ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। मतलब जजेस के अंदर आएंगे, वर्क करेंगे और इस सिचुएशन को अवॉइड, मतलब खत्म ही कर देंगे। इट इज ऑल्सो देयर द जुडिशरी बॉडी शुड हैव इंडिपेंडेंस रहती है, सो दैट द जज कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथ टू बी फियरलेस। मतलब जजे जो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशरी है हमारी ऑर्गेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, तो जो जज काम वर्क कर रहे हैं वो ऑनेस्टली फियरलेस करना होगा। ये ऐसे नहीं करेंगे किसी इमोशन के अंदर कोई इल विल सिचुएशन में अफेक्ट हो गए, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है कोर्ट को अपहोल्ड करना, कोर्ट कंट्रीज लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब आप इसको बढ़ाना, ऐसे नहीं कि उसको डिक्रीज करना। कि अगर जज ही डर रहा है तो ऑब्वियसली तो पार्टी उस पर कैसे बिलीव करेगी, कैसे फेथ करेगी। कुछ एथिकल कोड है फॉर अ जज, एथिकल डिसीजन देना, मतलब एथिकल का मतलब होता है कि सबके पास एक मॉरल ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को आप फॉलो करते हो तो वो हमारे एथिक्स में आती है। तो द जुडिशियरी की एथिक्स क्या है, द जुडिशियल डिसीजन हैज बीन ऑनेस्ट एंड फेयर होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पब्लिक कॉन्फिडेंस लाइज इन द जजेस, द ओपिनियन ऑफ द जज हैज टू बी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंट फैक्ट एंड लॉ। इसलिए डिसीजन ऑनेस्ट एंड फेयर होना चाहिए बिकॉज जो पार्टी होती है वो फेथ करती है, किस पे फेथ करती है, जज पे। अगर वो फेथ सच नहीं, मतलब फेथ कर रही है, अगर वो फेयर और ऑनेस्ट जजमेंट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर लोग जो है वो जज की बात नहीं सुनेंगे, जज को अच्छा नहीं मानेंगे, जज को जब अच्छा नहीं मानेंगे तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, क्योंकि फिर वो आगे कुछ ना अपील करेंगे, रिविजन्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जस्टिस डिले होता जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो हमने पढ़ा था वही है, द मेन मोटो ऑफ द जजेस शुड बी नॉट टू फियर एनीथिंग वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग जजेस। मतलब जो मेन मोटो जज का ये होता है कि फियर, मतलब उनको डरना नहीं है किसी से, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कानून, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है जिसके अकॉर्डिंग वो चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो एक जज है, उसी का जो ब्रदर है, उसका ब्रदर एडवोकेट है और रिलेटिव में ही, और उसका केस उसके पास ही आया, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो जज जब कोर्ट के अंदर बैठेगा तो वहां पर उसको अपने रिलेटिव्स को याद नहीं करना पड़ेगा, उसको वो उस अपने भाई को ऐसे ट्रीट करेगा कि वो एक काउंसल है और हमें को इनकी बातें सुननी है और दोनों के बातें सुनकर उन पर जजमेंट देना है। तो द जजेज नीड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टी एंड देयर लॉयर ड्यूरिंग द ट्रायल कंडक्ट। इट इज ऑफन सीन दैट अ क्लोज कनेक्शन विद द जज इज यूटिलाइज टू विन ओवर अ केस विच इज अनएथिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली भाई के प्रति तो थोड़ा सा प्यार आता ही है, तो अगर वो उसके फेवर में जजमेंट देता है तो वो ठीक नहीं होता है, वो अनएथिकल में आ जाएगा हमारे जुडिशरी के। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कि दोनों पार्टी को इक्वली सुने वो, बोथ द पार्टीज डिस्प्यूटिंग शुड बी इक्वली ट्रीटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी, दोनों को इक्वल सुने। द जज शुड बी अबव एनी बायस ऑन अ ग्रुप, जज किसी भी जो भी ग्रुप है उसको बायस नहीं होगा, किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा हो या किसी कास्ट को, कि हाँ ये जो एससी कास्ट का, एसटी कास्ट का, इसको मतलब इसका जो जजमेंट है इसके अगेंस्ट में हम कुछ भी कर सकते, तो ऐसा नहीं है, वो दोनों पार्टी को इक्वली सुनेगा और वो वहां पर किसी भी पार्टी को कास्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं करेगा। सेक्शंस और डिविजन्स, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू द पार्टीज ड्यूरिंग द ट्रायल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी दोनों पार्टी को ट्रायल के अंदर। फॉलो नेचुरल जस्टिस करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ के प्रोविजन से वो वर्क करेगा। अब जो जुडिशरी होती है ना, इसका जो वर्क होता है अकाउंटेबल होता है टूवर्ड देयर सोसाइटी के अंदर भी, कि ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके रखे, ताकि लोग इन्हें बोले कि हाँ ये जजेस हैं और इन पे एक विश्वास करें, इनको देख के एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए। इसीलिए आप जब देखते होंगे कभी भी जज को, वो काफी शांत होते हैं, काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं और रियली वो काफी अच्छा बिहेवियर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, कि उनको देखकर फीलिंग आती है कि हाँ ये अब जज है तो जज हमारी भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जरूर सॉल्व करेंगे। जैसे हम डॉक्टर को देख के हमें फीलिंग आती है ना कि हाँ हमारे जो जो भी पेन है, हमारा कोई डिजीज है उसको सॉल्व कर सकता है, क्योर कर सकता है,
ऐसी हमें जज को देख के लगता है। तो आई होप आपको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू।